हेलो एंड नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप सब लोग। ऑटो कंपेयर विद ऑटो रिव्यू अपने सारे व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत करता है आज के इस डिटेल एंड एक्सक्लूसिव रिव्यू वीडियो में ऑफ द ऑल न्यू डैटसन वेरिगो फेसलिफ्ट 2020। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं इस गाड़ी के बारे में बात करने वाला हूँ और इस गाड़ी से जुड़े पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे और इस गाड़ी के अंदर क्या नए नए अपडेट्स आए हैं, क्या नई नई चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेगी इस गाड़ी के रिलेटेड। सो और पहले से कितनी ज़्यादा अच्छी हुई है ये गाड़ी अपने मेजर राइवल्स के मुकाबले, वो सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो सेशन में। एंड इट्स अ डिटेल वीडियो, ओके। जल्दी जल्दी समझाऊंगा, शॉर्ट में समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों को मज़ा अच्छा आएगा और आप लोग की जितने भी डाउट्स होंगे, मिथ्स होंगे, वो सारे क्लियर हो जाएंगे फॉर श्योर। इस गाड़ी के जो तीन मेजर राइवल्स अगर मैं बोलूँ तो वो है द मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, द रेनो क्विड एंड मोस्ट प्रोबेबली द ह्युंडई सेंट्रो। जी हाँ, इन तीनों गाड़ियों के साथ ही मैं इस गाड़ियों को कंपेयर करूँगा बाद में, लेकिन आज सिर्फ इसका एक रिव्यू होने वाला है ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बहुत ज़्यादा सॉरी चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले कर दिया अपनी नई वीडियोज़ को लेके आने में। एंड अब ज़्यादा मैं लेट नहीं बनाया करूँगा वीडियो, कोशिश यही रहेगी कि टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आता रहूँ, ताकि आप लोग भी मेरे वीडियोस के थ्रू अपने जो कार परचेजिंग के जितने भी मौके हैं उन सबको गवाए ना, और जितनी भी आप लोगों को हेल्प होती है मेरी वीडियोस के थ्रू अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा के एक अपना ये काम ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप ये सब चीज़ें करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा उस हर एक वीडियो का, सबसे पहले ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। तो चलिए, किस बात की देरी, शुरू करते हैं आज की वीडियो सेशन ऑन डैटसन वेरिगो। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो सेशन ऑन द डैटसन वेरिगो फेसलिफ्ट 2020। पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी में मिलने वाले मेजर अपडेट्स के बारे में। तो जैसे कि हम लोग इस गाड़ी के बारे में जानते हैं, इस गाड़ी को लेकर बहुत सारी उत्सुकता बनी हुई थी मेरे जितने व्यूवर्स हैं और जितने भी आने वाले जो इंडियन हमारे जितने भी इंडियन कस्टमर्स हैं, उन सब के मन में ये सारी बातें हैं कि यार ये गाड़ी अच्छी है कि नहीं, इसमें क्या अपडेट्स आए क्या नहीं आए, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे इन डिटेल आज के इस वीडियो में। तो पहले हम बात करें मेजर अपडेट्स की तरफ, एक नज़र डाल दें। देखिए, शुरू करें अगर एक्सटीरियर से, मतलब एक्सटीरियर इंटीरियर डिज़ाइन से शुरू कर दें, तो यहाँ पर क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो फ्रंट डिज़ाइन है उसमें थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा, स्पेशली इन दैट ग्रिल जो कि हनीकॉम मैश ग्रिल है, और उसको थोड़ा और ब्रॉड कर दिया गया है एंड क्रोम का ज़्यादा यूज़ किया गया इस बार इन दिस न्यू जनरेशन मॉडल। जो हेडलाइट डिज़ाइन है वो भी थोड़ी चेंज कर दी गई है, स्पेशली द क्लस्टर, और जो पहले आपको जो हॉरिजॉन्टल LED स्ट्रिप आती थी वो आप हटा के आपको वर्टिकल स्लैट में आपको LED डे टाइम रनिंग लाइट देखने को मिलेंगी अलॉन्ग साइड द प्रेजेंस ऑफ द LED फॉग लाइट्स एज वेल। तो ये रही फ्रंट की बात, अदरवाइज गाड़ी देखा जाए तो बिल्कुल हुबहू वही है, बट थोड़े बहुत माइनर ट्विकिंग्स किए गए हैं इधर उधर, तो इस वजह से थोड़ा डिज़ाइन लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो गया है एंड इट लुक्स मोर फ्रेश एंड मोर बोल्डर दैन द प्रीवियस जनरेशन मॉडल। अगर बात करें साइड लुक की, साइड लुक में आपको एक ही मेजर अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि एक या दो बेसिकली, जो कि है इस गाड़ी की लेंथ वो थोड़ी बढ़ चुकी है एंड हाइट थोड़ी सी कम कर दी गई है फ्रॉम द प्रीवियस मॉडल, और अब इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है अच्छे खासे प्रोफाइल सेक्शन के साथ एक 14 इंच का अलॉय व्हील, 14 इंच के अलॉय व्हील्स जो कि ज़्यादा कूल लगते हैं इस गाड़ी के ऊपर, और इस गाड़ी की जो ब्यूटी है, इसका डिज़ाइन है, उसको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस भी करते हुए नज़र आएंगे डेफिनेटली फॉर श्योर। अगर हम बात करें रियर लुक की, तो रियर में क्या लगता है आपको कैसा होगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, सिवाय जो टेल लैम्प सेक्शन है उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया एंड इट लुक्स नाउ मोर वॉल्वो स्टाइल टेल लैम्प्स आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें जो आपको पार्किंग सेंसर पहले नहीं आते थे अब एडिशन कर दिए गए हैं उस चीज़ के, और इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है एज अ कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर। तो अब हम बात करें इंटीरियर की तरफ, देखिए ये तो हो गया एक्सटीरियर, इंटीरियर में देखेंगे एक ऑल न्यू डैशबोर्ड लेआउट विद द प्रेजेंस ऑफ द टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि आपको सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, FM रेडियो, ब्लूटूथ, USB ऑक्सिन, सब कुछ, ओके। जो AC वेंट्स है वहाँ पे क्रोम की जगह आपको सिल्वर एक्सेंट देखने को मिलेंगे, जो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्रोम हर जगह अच्छा लगता है लेकिन सिल्वर एक्सेंट सीम्स क्वाइट
नाइस एंड गुड। और जो ओवरऑल फिट फिनिश है गाड़ी की, जो बिल्ड क्वालिटी है, चाहे वो डोर की जो क्या बोलते प्लास्टिक मटेरियल हो, डैशबोर्ड की जो प्लास्टिक मटेरियल्स यूज़ करे गए हैं, उसमें काफ़ी हद तक एक तरीके से अपलिफ्टमेंट देखने आपको ज़रूर, अब एक तरीके से अपलिफ्ट या अपग्रेड आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो पहले क्वालिटी होती थी वो थोड़ी सी सस्ती लगती थी, लेकिन अब इट लुक्स मोर प्लश एंड सम हाउ प्रीमियम इन द सेंस फॉर अ एंट्री लेवल कार। ये बहुत अच्छा स्टेप है बाय द डैटसन, और डैटसन के इंजीनियर्स को भी बहुत ज़्यादा सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इस गाड़ी को लेकर स्पेशली थोड़ा ज़्यादा अच्छा ध्यान दिया, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बिकती है। बाकी डैटसन की दो गाड़ियों के मुकाबले इस गाड़ी के जो सेल्स है वो ज़्यादा अच्छा है इंडियन मार्केट में, और देखा जाए तो ये स्टेप करके ये जो अपग्रेडेशन है उससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट होगा इसके सेल्स पर भी, और आई होप ये गाड़ी अच्छा खासा ग्रो करे इंडियन कार मार्केट। अगर बात करें इसके इंटीरियर में, सीट्स कि जो फैब्रिक है वो चेंज करे गए हैं वो सब, बाकी अदरवाइज देखोगे गाड़ी के सीट्स वैसे ही हुए, बिल्कुल स्ट्रेट एंड अपराइट स्टांस वाले सीट्स है, तो वो थोड़े से चेंज करे जा सकते थे लेकिन उस हद नहीं किए, लेकिन गाड़ी फिर भी स्पेशियस है ड्यू टू इट्स इंक्रीज लेंथ एंड रिड्यूस्ड हाइट। ये गाड़ी अब ज़्यादा स्पेशियस और क्या भी लग रही है, ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रही है इन द सेंस। बूट स्पेस हालांकि अभी भी वही है 222 लीटर का, अगर देखें इसके जो राइवल्स हैं लाइक एस्प्रेसो, क्विड एंड सेंट्रो, उन तीनों गाड़ी के मुकाबले इसका बूट स्पेस सबसे कम है। इट इज़ द लीस्ट कार विच इज़ द लीस्ट बूट कैपेसिटी कार इन दिस सेगमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें इसके इंजन की, 0.8 लीटर 1 लीटर सबसे पावरफुल 1 लीटर का है, एंड बोथ दीज इंजन आर BS6 कंप्लायंट। सो देखा जाए तो मुझे, अगर मेरे ओपिनियन में जाओगे तो 1 लीटर का इंजन इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आप कोई सिटी कंडीशन में गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं तो, और अगर इसमें भी आपको इजाफा चाहिए तो एक AMT यूनिट भी इसमें अवेलेबल है, तो वो आप टॉप मॉडल के साथ जाके ले सकते हैं, और एक कन्वीनियंस अच्छा हो जाता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाती है, जो क्लच रगड़ने का जो चक्कर है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये गाड़ी में आप लोगों को पहले भी आता था, अब भी वो चीज़ कंटिन्यू किया गया है फॉर श्योर। तो ये तो थी कुछ मेजर अपडेट्स इस गाड़ी को लेकर। ठीक है, और ऐसा कोई अपडेट इस गाड़ी के अंदर है नहीं, फीचर्स थोड़े बहुत ऐड करे गए हैं बस, वही थोड़े बहुत नॉर्मल फीचर्स थे, बाकी मेजर कोई फीचर्स में अपडेट नहीं दिए गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन इस पर्टिकुलर गाड़ी, मतलब जो डैटसन रेडी को फेसलिफ्ट है इसके ऊपर, और इसके अंदर क्या पॉजिटिव एंड क्या नेगेटिव है, मतलब क्या खामियाँ या क्या अच्छाई है वो हम जानते हैं फटाफट से। देखिए पॉजिटिव्स की बात करें, ये गाड़ी ज़्यादा स्पेशियस हो चुकी है पहले से। ठीक है, ये मेरे पॉजिटिव्स के अंदर मैं पहले बात कर रहा हूँ, तो ये बात तो सब लोग जानते हैं, पहले से ज़्यादा स्पेशियस हो चुकी है, जो लेंथ बढ़ी है और हाइट कम करी गई है उस हिसाब से देखें तो गाड़ी थोड़ी ज़्यादा आपको अच्छा कैबिन स्पेस प्रोवाइड करेगी इन बोथ फ्रंट एंड सेकेंड रो पैसेंजर एरिया। और बट जो इसके साथ साथ अगर आप देखोगे जो इंजन के रिफाइनमेंट है वो भी ज़्यादा अच्छी है, अगर मैं बात करूँ उसके मेजर राइवल जो कि है रेनॉल्ट क्विड के मुकाबले, क्योंकि क्विड बहुत ज़्यादा नॉइजी है। अगर मैं बात करूँ उसके आउटसाइड के गाड़ी का, मतलब गाड़ी अगर स्टार्ट रहती है क्विड तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है बाहर भी और उतना ही अंदर भी, तो उसका इंसुलेशन जो है ना, कैबिन इंसुलेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस गाड़ी का कैबिन इंसुलेशन भी बहुत अच्छा है, इस गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग बहुत अच्छी है, हालांकि थोड़ी ऊंची होने के बावजूद भी ये गाड़ी अपने राइवल एस्प्रेसो के मुकाबले ज़्यादा अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है ऑन टू द रोड, चाहे वो अब सिटी के रोड हो या हाईवे हो। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के ओवरऑल फीचर्स को लेके, तो देखा जाए 5-5.5 लाख के रेंज में आपको जितने फीचर्स चाहिए होते हैं उससे ज़्यादा ही दे रही है ये गाड़ी, और एक नॉर्मल एवरेज फैमिली के लिए ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। और डैटसन जैसी अच्छी ब्रांड की तरफ आप थोड़ा रुख देख सकते हैं, हालांकि जो मारुति सुजुकी, ह्यूंडई एंड द रेनॉल्ट का तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है हिस्ट्री शुरू से, क्योंकि क्विट के लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज आते रहे, लेकिन इस गाड़ी से इतना बड़ा कोई इशू आया नहीं अभी तक, हमने बहुत मेजर फॉल्ट जो है सुनने को नहीं मिले। तो ये गाड़ी क्विड के मुकाबले ज़्यादा रिलायबल है और ज़्यादा अच्छी है इन द सेंस, और बिल्ड क्वालिटी इंटीरियर एक्सटीरियर काफ़ी अच्छा है, जहाँ थोड़ी कमी है वो मैं नेगेटिव से बात करूँगा, बाकी ये था मेरी तरफ से अपने पॉजिटिव और
अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं इन पेट्रोल वेरिएंट एंट्री लेवल हैचबैक, तो इसका 1 लीटर इंजन लीजिए विद एन AMT गियरबॉक्स जो कि अवेलेबल है इन द मार्केट और जो कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस फ्री राइड देगा ऑन टू द सिटी ऑफ हाईवे कंडीशन और अपने डेली के यूज़ के काम के लिए ये गाड़ी सबसे बेस्ट है और पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं है कि और आपको ज़्यादा जेब खर्च करना पड़े और फीचर्स भी आपको आपके ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर एज एन ओवरऑल पैकेज। तो अब हम बात करें नेगेटिव्स की तरफ। नेगेटिव्स में देखें तो ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा आपको लगेगी ना बोलते हैं ना आपकी जो इसकी कंफर्ट है ना सीट्स का जो कंफर्ट है वो बहुत ज़्यादा सीधा है, मतलब जो सीट्स है ना उसका रिक्लाइनिंग एंगल जो पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा अपराइट है, मतलब बिल्कुल ऐसे एंगल पे नहीं है जैसे कि आपको रिलैक्स पोजीशन पे आप बैठोगे तो बहुत आराम मिलेगा, वो नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस गाड़ी को लेके। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदते हैं तो आपको बाहर से भी आफ्टर मार्केट इसकी सीट्स के थोड़े काम कराने पड़ सकते हैं, ये मैं आपको साफ साफ तौर पर एक बात बता दूँ, ये आपको कोई बताएगा नहीं जल्दी। जो सीट्स है वो आपके थोड़े अपराइट है और फ्रंट के सीट्स कंफर्टेबल है लेकिन थोड़े पतले एंड छोटे हैं, तो बड़े साइज़ के जो लोग होंगे उनके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा इस सीट्स पे बैठने के मुकाबले। जो एवरेज एंड शॉर्ट हाइटेड लोग हैं उनके लिए गाड़ी बहुत अच्छी है और गाड़ी बुराई नहीं है लेकिन सीट्स में थोड़ा बहुत आपको आगे जाके थोड़ा काम कराना ज़रूर पड़ेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ और भी नेगेटिव की, जो 0.8 लीटर वाला इंजन है वो थोड़ा अंडर पावर्ड फील होता है। वो इंजन क्यों रखा है मुझे नहीं पता, डैटसन इंजन ने क्यों सोचा कि वो इंजन कंटिन्यू करा जाए एज ए BS6 रेडी इंजन, उसकी जगह आप 1 लीटर तो कंटिन्यू करते ही लेकिन उसके साथ एक नया इंजन ऑप्शन जो मुझे अवेलेबल करा दे तो ज़्यादा अच्छा होता और इस गाड़ी की जो सेल्स है वो थोड़ी और ज़्यादा अच्छी होती कोई नया इंजन ऑप्शन अगर इसमें आया होता तो, बजाय इस 0.8 लीटर के अलावा। ये था मेरा मतलब मेरी तरफ से बताए गए कुछ नेगेटिव्स इस गाड़ी को लेकर। अगर मैं बात करूँ और भी नेगेटिव की, अगर मैं देखता हूँ इस गाड़ी को कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं है। हाँ, बूट स्पेस थोड़ा शायद इंक्रीज कर दिया जा सकता था लेकिन इस गाड़ी के डायमेंशन को देखते हुए थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन किया डायमेंशन में लेकिन बूट स्पेस अभी भी अपने राइवल्स के मुकाबले बहुत कम है, जहाँ पे आपको एस्प्रेसो में 270 लीटर, क्विड में 300 लीटर, सेंट्रो में 260 लीटर और यहाँ पे 222 कम है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी कम है, तो इसके जो बार बार फ्यूल भराने का जो चक्कर रहेगा वो आपको एक बहुत बड़ा सरदर्द लगेगा क्योंकि बाकी गाड़ियों में 35-36 लीटर के फ्यूल टैंक होते हैं, यहाँ पे 28 लीटर का मात्र 28 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। ये थोड़े बहुत चेंजेस अगर और ध्यान देती और ध्यान देते डैटसन के इंजीनियर्स तो ये गाड़ी लाजवाब एंड माशाल्लाह होती। हालांकि ये गाड़ी वैसे देखा जाए एज एन ओवरऑल पैकेज के रूप में एज फॉर अ वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन ये गाड़ी बहुत अच्छी है और इसका टॉप मॉडल भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 5.5 लाख के अंदर आपको मिल जाएगा ऑन रोड दिल्ली। आखिर जो टॉप मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस है वो कहीं ना कहीं 4,80,000 या 83,000 रुपये है अगर आप देखोगे ऑन दैट पेपर, बट आते आते जो ऑन रोड प्राइसिंग होगी वो 5.5 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेगी, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हालांकि इसका जो बेस वेरियंट है वो शुरू होता है 2,80,000 से एक्स शोरूम दिल्ली, तो आप जाइए विज़िट करिए इस गाड़ी को और देखिएगा ज़रूर इस गाड़ी के ब्रोशर्स को, इस गाड़ी के अच्छे तरह से आप टेस्ट ड्राइव लीजिए, अगर आपको पसंद आती है देन कंसिडर इट फॉर योर सेल्फ, अगर नहीं आती तो और कोई गाड़ी की तरफ भी आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो मेरी बातों को ही आप सुनते रहिए, ऐसा नहीं है, आप किसी और गाड़ी की तरफ भी आराम से जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए रिलायबिलिटी में अगर मैं बात करूँ, फाइनल वर्डिक्ट अगर बोलूँ रिलायबिलिटी, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव हो चुके हैं, रिलायबिलिटी की बात करूं तो ये गाड़ी आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर एन इंस्टेंस, क्योंकि क्विड इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्विड वैसे अच्छी है लुक्स वगैरह में सब में अच्छी है, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है पिछले साल जो उसको अपग्रेड मिला है, लेकिन अगर मैं बात करूं प्राइसिंग के मामले में क्विड थोड़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है, सेंट्रो वैसे ही महंगी हो जाती है 7 लाख तक जाती है, हालांकि इन सब गाड़ियों में आपको AMT गियरबॉक्स यूनिट ज़रूर मिलेगा चाहे वो एस्प्रेसो हो, डैटसन रेडिको हो, क्विड हो या फिर सेंट्रो हो, सब में AMT गियरबॉक्स आपको अवेलेबल है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा चाहिए और ऐसा नहीं है कि आप इस गाड़ी को कंसिडर मत करिए, गाड़ी ये ब्रांड बहुत अच्छा है, स्पेशली डैटसन रेडिको गाड़ी काफ़ी लोगों ने खरीदी है और इनका जो रिव्यू इनका जो फीडबैक रहा है लोगों का इस गाड़ी के प्रति वो काफ़ी अच्छा रहा है और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बिगाड़ आते हैं,
थोड़े बहुत बिगाड़ हर गाड़ी में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सारी गाड़ियाँ ख़राब होती है। लेकिन क्विड के मुकाबले देखूँ अगर, जो उसका मेजर राइवल है रेनो क्विड, उसके मुकाबले ये गाड़ी बहुत वैल्यू फॉर मनी है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी है इन ओवरऑल सेंस। तो मेरी अगर अपनी राय के और मेरी राय से अगर चलेंगे तो ये गाड़ी एक स्मॉल फैमिली के लिए बेस्ट रहेगी इन ओवरऑल सेंस। तो ये था आज के मेरा वर्डिक्ट, और मैं इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 10 में से 8 स्टार दूंगा फॉर इट्स राइड एंड हैंडलिंग, लुक्स, कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स, सेफ्टी में इसको आप दो एयर बैग्स मिलते हैं, ABS विद EBD, सब कुछ आपको मिलेगा, पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, एवरीथिंग इन द सेंस। इस गाड़ी को मैंने 8 out of 10 इस वजह से दिया है। तो ये था मेरा वर्डिक्ट। अब आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है कि नहीं, ये आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, बट मेरा काम था आप लोग को अच्छी सलाह देना। और आप जब भी गाड़ी खरीदने जाए तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए, इससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करने से पहले आप लोगों से धन्यवाद चाहूँगा कि आप लोगों ने धैर्य बना के रखा, मेरे वीडियोस बहुत दिन से नहीं आ रहे थे, उस वजह से आप लोगों ने संयम खोया नहीं, और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, आपको आईडी दिख जाएगी नीचे स्क्रीन पे, एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, फटाफट जाइए लाइक शेयर कमेंट सब कर दीजिएगा बिना किसी देरी के, और अपना प्यार बनाए रखें, और ऐसे नए नए कंटेंट पे वीडियो लेके आता रहूँगा फटाफट, और अब कंटिन्यू फेज में वीडियो रखूँगा, ज़्यादा वेट कराऊँगा ही नहीं अपने सारे व्यूवर्स को। तो चलिए वीडियो पसंद आए कमेंट ज़रूर करिएगा, जो भी कुछ अगर नहीं समझ में आए सब बताऊँगा, आप सब लोगों के लिए ही बैठा हूँ मैं, और जो भी आप लोग को अच्छा लगे अपने सारे लोगों के साथ, दोस्तों फैमिली मेम्बर्स सब के साथ शेयर करिए इस वीडियो के अंदर, जो भी आपको पसंद आई वो बातें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक इस वीडियो को एंजॉय करिए और अपना प्यार से बनाए रखिए। चलता हूँ, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद एंड शब बख़ैर, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो सेशन।